हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है आंधी तूफान बारिश को लेकर। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है चक्रवाती तूफान फोनी को लेकर। लगातार इसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। चक्रवाती तूफान फोनी के आने वाले दिनों में और तेज होने की आशंकाएं जताई गई है दोस्तों। गुरुवार और शुक्रवार को दक्षिणी तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की आशंका बताई जा रही है। IMD विभाग के डायरेक्टर HR विश्वास ने बुधवार को यह सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि 2 मई यानी गुरुवार को दक्षिण तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों पुरी, खुर्दा, कोरापुट और खंडमाल जिलों में भी तेज बारिश की आशंका है। विश्वास के मुताबिक 3 मई को भी सभी तटीय जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। राज्य के CM नवीन पटनायक ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि दोस्तों खतरा काफी बड़ा है। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3 मई को दोपहर तक फोनी चक्रवात के उत्तर से उत्तरी पूर्वी की ओर बढ़ने और उड़ीसा के तटीय इलाकों को पार करने की संभावनाएं हैं। इस दौरान करीबन 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने के आसार हैं। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, यह रफ्तार इतनी है कि सड़क पर खड़ी गाड़ी और पेड़ों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है और गाड़ियों को हवा में उड़ाने के लिए भी पर्याप्त है। दोस्तों फोनी तूफान की वजह से उड़ीसा में रेड अलर्ट और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, साथ ही मछुआरों को भी खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून को लेकर भी कुछ अपडेट जारी किए हैं। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 20 मई तक अंडमान पहुंच जाएगा मानसून। जी हां दोस्तों, देश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी है, वहीं दक्षिण के समुद्र तटीय राज्यों में चक्रवाती तूफान फैनी का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच दोस्तों मानसून की चाल को लेकर सबसे पहली खबर आ गई है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक मानसून 20 मई तक अंडमान निकोबार पहुंच जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फैनी तूफान के कारण अंडमान में हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान विभाग की अंडमान निकोबार यूनिट के इंचार्ज शोरिश उपाध्याय का कहना है कि 20 मई से यहां बारिश शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही मानसून का आगाज भी हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी मौसम विज्ञान विभाग की अपडेट फीनी तूफान को लेकर और मानसून को लेकर। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह की काम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।